गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में 12 अगस्त के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन लीडर हैज़ बीन रिसेंटली कन्फर्ड विद तिमोर लेस्तेज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते। इस अवार्ड से हमारी प्रेजिडेंट द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया है। तिमोर लेस्ते न्यूजीलैंड और फिजी, इन तीन कंट्रीज़ की यात्रा पर वो गई हुई हैं, तीन नेशन के टूर पर गई हुई हैं, और वहीं पर तिमोर लेस्ते में उनको वहाँ का हाईएस्ट ऑनर दिया गया है। इंडिया और तिमोर लेस्ते दोनों कंट्रीज़ के बीच फ़िलहाल कोई भी डिप्लोमेटिक मिशन नहीं है एक दूसरे की कंट्रीज़ में, और हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ये पहली इंडियन प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने तिमोर लेस्ते को विज़िट किया है। तिमोर लेस्ते की हम बात कर लेते हैं। इसे ईस्ट तिमोर के नाम से पहले जाना जाता था। एक आइलैंड कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया में। आसियान कंट्रीज़ जो हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसमें इसे ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। इट वॉज़ अ पोर्तुगीज़ कॉलोनी टिल 1975, और पोर्तुगीज़ के विदड्रॉल के बाद ये इंडोनेशिया के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया गया। 1999 में यूनाइटेड नेशंस सुपरवाइज्ड रेफरेंडम यहाँ पर हुआ, जिसमें तिमोर लेस्ते के लोगों ने वोट किया कि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनना चाहते हैं, और फिर इसके बाद 2002 में इसे इंडिपेंडेंस मिल गई। प्रेजिडेंट यहाँ के हैं जॉस रामोस होर्टा। 1996 में नोबेल पीस प्राइज़ विनर भी रह चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर हैं केराला जनाना गुस्माओ। कैपिटल यहाँ की है दिल्ली और करेंसी है US डॉलर। हु इज़ द यंगेस्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन द समर ओलंपिक? ये कौन बनी हैं? अमन सहरावत हैं, ये यंगेस्ट इंडियन बने हैं ओलंपिक में मेडल जीतने वाले। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस फ्री स्टाइल 57 kg रेसलिंग इवेंट में। पीवी सिंधु का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था 2016 रियो ओलंपिक्स में। ठीक है, इंडिया ने रेसलिंग में केवल एक मेडल जीता है अमन सहरावत ने, ये ब्रॉन्ज मेडल जो जीता है। इंडिया की पोजिशन क्या है? 71st पोजीशन है इंडिया की 6 मेडल्स के साथ में, जिसमें 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल्स भारत ने जीते हैं। यहाँ पर देखिए, सिल्वर मेडल किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने मेंस जेवलिन थ्रो में। ब्रॉन्ज मेडल मनु भाकर ने वुमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में। स्वप्निल कुसाले ने मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। इंडियन मेंस हॉकी टीम ने जीता है स्पेन को हराकर, और अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है मेंस फ्री स्टाइल 57 kg कैटेगरी में। रेसलिंग में भारत को कौन कौन से ओलंपिक मेडल अभी मिले हैं? तो केडी यादव ने मेंस फ्री स्टाइल 57 kg कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता था हेलसिंकी 1952 में। सुशील कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था बीजिंग 2008 में। सुशील कुमार ने ही सिल्वर जीता था लंदन 2012 में। योगेश्वर दत्त ने लंदन 2012 में ब्रॉन्ज जीता था। साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज जीता रियो 2016 में। रवि कुमार दहिया ने जीता सिल्वर मेडल टोक्यो 2020 में। बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज जीता टोक्यो 2020 में, और अमन सहरावत ने अभी जीता है ब्रॉन्ज मेडल पेरिस 2024 ओलंपिक में। ये वही चीज़ें हैं कॉमन, इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 स्कीम? इसका ड्यूरेशन कितना है? 5 साल है। 2.0 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें किया है, और 2.0 वर्जन इसका शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 25 जून 2015 में लॉन्च हुई थी, और 31 दिसंबर 2024 में ये खत्म हो जाएगी। इसके बाद पीएमएवाई यू 2.0 वर्जन इसका लॉन्च किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट की हाउसिंग फॉर ऑल पॉलिसी है, विच प्रोवाइड्स ऑल वेदर पक्का हाउसेस टू ऑल एलिजिबल बेनिफिशरीज इन अर्बन एरियाज। 2.0 वर्जन का ड्यूरेशन है 5 साल। इट एम्स टू फैसिलिटेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ 1 करोड़ हाउसेज इन अर्बन एरियाज फॉर द अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज। विच कंट्री डज डॉक्टर डेंजिल डगलस बिलोंग टू, हु रिसेंटली विजिटेड इंडिया? ये बिलोंग करते हैं सेंट किट्स एंड नेविस, इस कंट्री से बिलोंग करते हैं। भारत में इन्होंने विजिट किया है, और दोनों कंट्रीज के बीच रिसेंट में एग्रीमेंट साइन हुआ है। इस कंट्री में डिजिटलाइजेशन के लिए भारत हेल्प करने वाला है, इसी चीज़ को लेकर एक एमओयू साइन किया गया है। ठीक है, इस कंट्री की बात कर लेते हैं। आइलैंड कंट्री है ईस्टर्न कैरेबियन सी में। इट कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड्स इन द लेसर एंटिलिस। बहुत छोटी कंट्री है 269 स्क्वायर किलोमीटर की। क्रिस्टोफर कोलंबस, जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी, ये इस कंट्री में विजिट किए थे सेंट किट्स में ऑन हिज सेकेंड वॉयज टू द रीजन इन 1943 एंड नेम्ड इट सेंट क्रिस्टोफर। बाद में इस नाम का जो नाम है सेंट किट्स रख दिया गया। इट वॉज रूल्ड बाय द ब्रिटिश एंड फॉर्मली बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 19 सितंबर 1983। कॉमनवेल्थ का पार्ट है एंड यूनाइटेड किंगडम मोनार्क जो है इसका हेड ऑफ स्टेट है। सेंट किट्स एंड नेविस ये पार्ट है वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का। कैरेबियन कम्युनिटी का भी ये पार्ट है, कैरिकॉम जिसे कहते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर स्टेट्स एंड 5 एसोसिएट मेंबर्स। इसकी जो इकोनॉमी है टूरिज्म पर डिपेंडेंट है पूरी तरह से, एंड इट हैज़ ए स्मॉल साउथ एशियन पॉपुलेशन। कैपिटल क्या है? बेसिटेरे है, और करेंसी यहाँ की ईस्टर्न कैरेबियन डॉलर। प्राइम मिनिस्टर हैं टेरेस्ट्रियो, और हेड ऑफ द स्टेट हैं यूके के मोनार्क चार्ल्स III।
यहाँ देख रहे हैं ना, कैरेबियन सी में, ये अटलांटिक ओशियन है, ये कंट्री है सेंट किट्स एंड नेविस। हाउ मेनी गवर्नमेंट बिल्स वर इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सेकेंड सेशन ऑफ द 18th लोकसभा। इसमें 12 बिल्स को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। 15 सिटिंग्स हुई थी, अप्रॉक्सीमेटली 115 आवर्स काम हुआ है इस सेशन में। 12 गवर्नमेंट बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए और 4 पास हुए। ये 4 बिल कौन से पास हुए हैं? फाइनेंस बिल 2024, अप्रोप्रिएशन बिल 2024, जम्मू एंड कश्मीर अप्रोप्रिएशन बिल 2024 और भारतीय वायुयान विधेयक 2024। 65 प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन द इंडियन ओशन हैज बीन नेम्ड अशोका। तो ये क्या है स्ट्रक्चर? अ सी माउंट, इसका नाम अशोका के नाम पर रखा गया है। अशोका सी माउंट, चंद्रगुप्त रिज और कल्पतारू रिज, ये 3 अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स हैं इंडियन ओशन में जिनके नाम रखे गए हैं, तो याद रखिएगा ये तीनों ही। नेक्स्ट आते हैं, व्हेन इज वर्ल्ड लायन डे 2024 बीइंग ऑब्जर्व्ड? इसको 10 अगस्त को ऑब्जर्व किया गया। इट इज सेलिब्रेटेड टू रेज अवेयरनेस अबाउट लायंस, पेंथेरा लियो के नाम से साइंटिफिक नेम ये है। 2 सब स्पीशीज है लायन की, अफ्रीकन और एशियाटिक। लायन पॉपुलेशन दुनिया में अप्रॉक्सीमेटली 20,000 है IUCN के अकॉर्डिंग। भारत में 674 है लायन सेंसस 2020 का जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग। वर्ल्ड लायन डे वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 2013, इनिशिएटेड बाय बिग कैट रेस्क्यू अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन फ्लोरिडा USA, ठीक है। लायन की पॉपुलेशन को सिक्योर करने के लिए ये दिन को मनाया जाता है। एशियाटिक लायन की IUCN स्टेटस इसका इंडेंजर्ड है। वेट इसका देखें तो ये एशियाटिक लायंस जो हैं ये लाइटर हैं फीमेल, और जो मेल हैं वो थोड़े से भारी होते हैं। दे हैव स्पार्सर मेन बट हैव बुशियर टेल्स, देयर रेंज इज लिमिटेड टू द गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। अफ्रीकन लायन वल्नरेबल है IUCN स्टेटस इनका। अफ्रीकन लायंस वेट 345 फीमेल्स और अप टू 500 पाउंड्स मेल होते हैं। दे हैव बुशियर मेन। अफ्रीकन लायंस आर स्प्रेड ओवर सब सहारन अफ्रीका एंड वेस्ट अफ्रीका। इन विच सिटी वर द 4th फॉरन ऑफिस कंसल्टेशन बिटवीन इंडिया एंड जाम्बिया हेल्ड? ये लुसाका में हुई इंडिया और जाम्बिया की 4th फॉरन ऑफिस कंसल्टेशन, फोकसिंग ऑन एनहेंसिंग बायलेटरल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, डिफेंस, ट्रेड एंड अदर की सेक्टर्स। जाम्बिया लैंड लॉक्ड कंट्री है सदर्न अफ्रीका की, बॉर्डर्ड बाय डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया और अंगोला। कैपिटल है लुसाका और करेंसी है जामिबियन क्वाचा। इन विच स्टेट वॉज इंडिया फर्स्ट राइस ATM लॉन्च्ड? इंडिया का पहला राइस ATM लॉन्च किया गया ओडिशा में। अन्नापूर्ति ग्रेन ATM इसका नाम है। इंडिया का पहला 24/7 राइस डिस्पेंसर, रिवोल्यूशनाइजिंग द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मशीन जो है डिस्पेंस कर सकती है अप टू 50 kg ऑफ ग्रेन इन 5 मिनट्स विद एन एरर रेट ऑफ ओनली 0.01%। इनिशियली भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया है और अब ओडिशा के 30 डिस्ट्रिक्ट में इसको एक्सपेंड किया जाएगा और फिर इसके बाद में नेशन वाइड भी। हु इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड एज ऑफ 2024? ये कौन है? इलॉन मस्क हैं, टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO रिचेस्ट पर्सन है दुनिया के। फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट 2024 के अकॉर्डिंग US में जो हैं 813 बिलियनियर्स हैं, फॉलोड बाय चाइना 473 और इंडिया में 200 बिलियनियर्स हैं। नंबर 1 पर कौन है? इलॉन मस्क। दूसरे पर है जेफ बेजोस। थर्ड है मार्क जुकरबर्ग, फिर बर्नार्ड एर्नोल्ड और 5वें नंबर पर लैरी एलिसन है। लास्ट में क्वेश्चन है आप लोग के लिए, बुद्धदेव भट्टाचार्य वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हु पास्ड अवे? वेस्ट बंगाल, बिहार, राजस्थान या फिर झारखंड? इसका आंसर बताएगा कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।